हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे रिलेटेड है एक्टर राणा दुग्गुपट्टी से। तो चलिए अब जानते हैं हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है। क्वाम। क्वाम को हम हिंदी में पछतावा कहते हैं। इंग्लिश में हम इस वर्ड को नाउन तो वही हिंदी में संज्ञा की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इंग्लिश में क्वाम का मीनिंग क्या है। फीलिंग ऑफ सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट ओवर एन अकरेंस। इंग्लिश मीनिंग जानने के बाद अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्वाम के कुछ सिनोनिम्स या फिर इसे ही मिलते जुलते कुछ और वर्ड। रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट, सोरो, डिजेक्शन, डिस्पेयर। सिनोनिम्स जानने के बाद हम जानेंगे क्वाम के कुछ एंटोनिम्स या फिर इसके ऑपोजिट वर्ड। रिमोर्सलेसनेस, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, जॉय। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे न्यूज़ के इस दिए गए सेंटेंस में हमारे आज के वर्ड ऑफ द डे क्वाम का यूज किस तरह से किया गया है। राणा दुग्गुपट्टी सेड ही हैज नो क्वाम्स अबाउट हाथी मेरे साथी रिलीज बीइंग पोस्टपोन्ड। राणा दुग्गुपट्टी ने कहा कि हाथी मेरे साथी की रिलीज के टल जाने पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिए कि आपको है किसी चीज का क्वाम। और इसी के साथ यूट्यूब पर हमारे हिंदी कोच डिक्शनरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।